माई चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये मेकअप लुक देखने के लिए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है पूजा, मेरे चैनल का नाम है पूजा अवनी सिंह। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे देख सको। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं और इस मेकअप लुक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर और इसे अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही मैं अपनी पूरी आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो आई मेकअप के लिए पहले बता दूं कि ब्लेंडिंग में बहुत टाइम लगता है और ब्लेंडिंग ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सो उसके बाद मैंने यूज किया है मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट और इसे अपने कंसीलर को मैंने सेट कर लिया है इससे, और दोबारा मैंने लिया है एक फ्लैट ब्रश जिसे मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे से वेट कर लिया था, और फिर मैं यूज कर रही हूँ एक डार्क पर्पल शेड। सो आप देख रहे हो मैं इस तरह से इसे अपनी पूरी हाफ आईलिड पे मैं इसे प्लेस कर रही हूँ अच्छे से। नेक्स्ट मैंने लिया है एक एंगल्ड ब्रश और मैंने जैसा ऑलरेडी अपने कई वीडियो में बताया है कि मुझे जो ब्रश जहां कंफर्टेबल लगता है मैं वहां उसे यूज करती हूं। सो मैंने एक डार्क पिंक शेड पिक किया और इस एंगल्ड ब्रश की हेल्प से मैंने जो डार्क पर्पल शेड लगाया था उसकी एजेस पे मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। सो जब तक जो एजेस हैं मतलब ब्लेंडेबल ना लगे तब तक मैं उसे ब्लेंड करूंगी। और उसके बाद मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश ले रही हूं और मैं एक लाइट पिंक लूंगी शेड, और उस शेड को मैं जो मैंने पिंक शेड लगाया था उससे पहले उसके ऊपर ब्लेंडिंग करूंगी। सो ब्लेंडिंग टेक्स टाइम, सो ब्लेंड 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 ब्लेंड। सो अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी इस तरह से। नेक्स्ट मैं अगेन एक क्लीन ब्रश ले रही हूँ और जो भी मेरे आई मेकअप की जो एजेस हैं वहां पे मैं इसे ब्लेंडिंग करूंगी ताकि कोई भी कलर हार्श ना लगे, आई शेडो की कोई हार्श लाइन ना हो। नेक्स्ट मैंने लिया है डेजलर का आईलाइनर और शेड है ब्लैक। सो इससे मैं एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूंगी इस तरह से, और आईलाइनर जो है फ्रेंड्स काफी ज्यादा सस्ता है, मतलब सिर्फ 30 रुपीज का ये आईलाइनर है, बट आईलाइनर जो है वो अच्छा है, बिगिनर्स के लिए अच्छा है। और यहां मैंने ऑफ कैमरा अपनी आईब्रोज फिल इन कर ली थी। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर, फेस प्राइमर, और इससे मैं पूरे फेस पे अच्छे से टैप टैप करते हुए अप्लाई कर लूंगी। और मैंने यहाँ पे अपने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया था उसके बाद मैंने प्राइमर यूज किया था। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, शेड नंबर वगैरह आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी प्रोडक्ट मैं इसमें यूज कर रही हूँ सो वो उनकी भी लिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हो अगर कुछ मिस हो जाए आप लोगों से तो। और नेक्स्ट मैं एक ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर जिसे मैंने गीला करके स्क्वीज कर लिया था, और इस तरह से मैं डैब डैब करते हुए ब्लेंडिंग करूंगी। सो ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये काफी अच्छा है, मैंने अमेजोन से एक पूरा ब्रश का सेट परचेज किया था, उसके साथ मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर मिला था और एक ब्रश क्लीनर भी मिला था। तो ये स्पंज जो है मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली गाइज मतलब मुझे ये स्पंज आप देखो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट मैंने अगेन यूज किया है मेबलिन फिट मी कंसीलर, और जो हाई पॉइंट्स होते हैं, यूजुअल प्लेसेस होते हैं जहां हम कंसीलर करते हैं डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए और अपने फेस को भी हाईलाइट करने के लिए, सो उस तरह से मैं ये कंसीलर अप्लाई करूंगी और देन मैं सेम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो कंसीलर जो है मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है, पसंद इसलिए है कि मेरे पास एक ये इकलौता कंसीलर है जो मुझे पसंद है, दूसरा ये मैंने इसको यूज किया है, हमेशा इसी को यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है और ड्राई भी नहीं होता है, तो ब्लेंडिंग बहुत बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मुझे ये कंसीलर पसंद है।
नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ सेम मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, और एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे बेस मेकअप को सेट कर लूंगी, स्पेशली जहां मुझे थोड़ा ऑयल का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो टी जोन एरिया होता है वहां पे। बट मैं पूरे ही फेस को सेट करूंगी बिकॉज समर्स हैं, तो समर्स में स्वेटिंग तो होता ही है यार, हम कितना भी सेट कर लें। तो इस तरह से मैं अच्छे से सेट कर लूंगी, उसके बाद मैं करूंगी अपने फेस की कॉन्टोरिंग। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा मोटा है, और तो फेस थोड़ा स्कल्पिंग दिखे, थोड़ा सा पतला दिखे, उसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग। सो इस तरह से मैं अपनी जो चीक बोन्स हैं और जो फोरहेड है वहां कॉन्टोरिंग कर लूंगी, जॉ लाइन पे कॉन्टोरिंग कर लूंगी, नोज पे कॉन्टोरिंग कर लूंगी। सो इस तरह से कॉन्टोरिंग करनी है। और ये है, मैंने यूज किया है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट था ये, और ये भी मेरे पास इकलौता कॉन्टोरिंग पैलेट है जिसे मैं अपने हर वीडियो में यूज करती हूँ। सो इस तरह से मैं एक स्मॉल ब्रश ले रही हूँ और उसकी हेल्प से अपनी नोज की कॉन्टोरिंग कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट, और उससे मैंने ये एक पीची टाइप शेड लिया है। तो ये वाला जो ब्लश शेड है ये बहुत ही लाइट था और मुझे कुछ लाइट ही चाहिए था अपने फेस पे। नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से हाइलाइटर लिया है, और ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, मतलब नाइट टाइम में आप मेकअप करो ना तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इस हाइलाइटर का। सो जो यूजुअल प्लेसेस होती हैं, हाई पॉइंट्स होते हैं, वहां मैं अपने पूरे फेस को इस तरह से हाइलाइट कर लूंगी, क्यूपिड बो, नोज, चिन्स और फोरहेड सब जगह मैं हाईलाइट कर लूंगी। और जो मेरी ब्राउ बोन है वहां भी मैं एक स्मॉल पेंसिल ब्रश लेके सेम हाइलाइटर यूज करूंगी। सो अपनी ब्राउ बोन को मैं हाईलाइट कर लूंगी, और जो मेरे आईज के इनर कॉर्नर्स हैं उनको भी हाईलाइट कर लूंगी। सो आंखें जो हैं वो थोड़ी अच्छी दिखेंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ काजल, और काजल के लिए मैंने नायका का काजल यूज किया है। तो मैं इसे अपनी लोअर और अपर बॉर्डर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, और उसके बाद मैं सेम पर्पल शेड लूंगी जो मैंने अपनी आईलेट पे लगाया था। तो वही सेम पर्पल शेड लेके मैं अपने जस्ट जो मैंने काजल लगाया है उसके नीचे अच्छे से स्मज कर लूंगी, ताकि मेरी आईज हैं वो भी अच्छी लगे और मेरा जो काजल है वो स्मज भी ना हो। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ CAL की लिपस्टिक, और शेड नंबर मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिख दूंगी कि कौन सा शेड है। और इस शेड के ऊपर मैं लगा रही हूँ मेबलिन जो कलर सेंसेशनल में क्रीमी प्लस मैट रेंज में जो लिपस्टिक आती है न्यूड नॉन से। सो मैं ये शेड लगा रही हूँ, और इस शेड से क्या होगा ना कि मेरा जो लिप शेड है, लिप कलर है, वो थोड़ा न्यूड दिखेगा और अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज की है फॉल्स आईलैशेस, और उसके बाद मैंने यूज किया है मस्कारा, लैक्मे का मैंने मस्कारा यूज किया है, और मस्कारा लगाने के बाद मैंने यूज किया है मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो दिस इज माय फाइनल लुक। आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज यहाँ वहां इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे मेकअप वीडियोस, फिलहाल तो मेकअप वीडियोस कम डालती हूँ, क्योंकि रीजन मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था, बट इसमें भी बता देती हूँ, मेरी छोटी बेटी है तो उसकी वजह से मैं मेकअप वीडियो कम डालती हूँ। और अभी मैं दिखा देती हूँ, अभी वो सोई हुई है। ओके सो अभी वो सोई हुई है, इसीलिए मैंने अभी ये मेकअप वीडियो शूट कर लिया। तो बस यही एक रीजन है कि मैं मेकअप वीडियोस कम डाल पाती हूँ, अदरवाइज मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, व्लॉग भी शेयर करती हूँ और प्रोडक्ट रिव्यू भी शेयर करती हूँ अपने चैनल पे। सो अगर आप लोगों को मैं पसंद आती हूँ, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन के साथ, और
इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूंगी आप लोगों के लिए। और आप लोग किस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो, मतलब आप लोगों की जो रिक्वेस्ट हो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो या फिर क्या आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो ये सब आप मुझे प्लीज बता दिया करो। सो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये वाला मेकअप लुक मेरे ऊपर आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।